हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं लवलीनू के बारे में। सारी लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ प्राइस का क्या रह सकता है आने वाले टाइम पर। जैसे कि दो दिन अभी बाकी हैं कि 25 तारीख से पहले पहले हमें लग रहा है इसी महीने में कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। जैसा कि इन्होंने एक ट्वीट भी किया था आज से दो तीन दिन पहले कि कोई थ्रिलिंग अनाउंसमेंट यहां पर आएगी, और कुछ अगर आप देखोगे तो रेस्पॉन्स मिक्स है। अभी भी काफी लोग ये कह रहे हैं कि स्कैम हो गया लवलीनू के साथ, दोबारा लवलीनू ने स्कैम किया अपने इन्वेस्टर्स होल्डर्स के साथ में। साथ ही साथ कुछ लोगों का अभी भी ट्रस्ट है कि लवलीनू फिर से पंप करेगा, अच्छा खासा पंप करेगा और दोबारा से हमें प्रॉफिट देगा डेफिनेटली, जैसा कि पहले इसने कई बार दिया है। अब दिया भी है डेफिनेटली, जो लोग इसको काफी लंबे टाइम से जानते हैं, हालांकि वेटिंग टाइम काफी लंबा था अगर प्रीवियस वाला आप देखोगे, बट प्रॉफिट तो दिया है डेफिनेटली। और अभी आने वाले जो दो दिन है उसमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि लवलीनू के होल्डर्स को क्या करना चाहिए। फिलहाल आप दो तीन दिन तक होल्ड करके इसको डेफिनेटली रखो, कोई पैनिक सेल मत कीजिए और साथ ही साथ कोई पैनिक डिसीजन भी मत लो, खास करके लवलीनू के बारे में। बाकी और जो प्रोजेक्ट है उनमें भी एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। उसका एक रीजन है क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो न्यूट्रल है फिलहाल के टाइम पे, लेकिन डाउन है। जो क्रैश आया था कहीं ना कहीं स्पेस एक्स से जो अनाउंसमेंट आई थी उसकी वजह से, स्पेस एक्स से नहीं लेकिन स्पेस एक्स से रिलेटेड ही थी कि उन्होंने बिटकॉइन सेल किए हैं, तो इस वजह से डाउन आया और बिटकॉइन अभी तक भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है इसमें एक दो दिन या एक हफ्ता और लग जाए, जब मार्केट रिकवर होना शुरू होगा तो डेफिनेटली जो बाकी अल्टकॉइन सेशन है पूरा का पूरा वो भी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। तो जिन लोगों ने एंट्री ली थी कुछ कॉइन्स जैसे कि बिटगर्ड और भी काफी हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो उनमें भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ना सिर्फ लवलीनू में। ठीक है, तो लवलीनू की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सात दिन का जो ग्राफ है अभी इनका, अगर आप देखोगे पिछले 7 डेज में तो इन्होंने 26% का मतलब इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी किया है, क्योंकि 9 तक चला गया था ये, अगर आप देखोगे डाउन अगर दोबारा से गया था तो 108 भी कर लिया था। बट अब हो सकता है कि अनाउंसमेंट कौन सी आए। अब कई लोग पूछते हैं यार प्राइस कितना जा सकता है एग्जैक्टली। देखो ये चीज जो है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं ना इसका खुद का ओनर भी, क्योंकि ओनर के पास भले सप्लाई ज्यादा हो बट फिर भी वो खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइप इज समथिंग जो किसी को पता नहीं होता है कि कितनी हो सकती है या कितनी ज्यादा निगेटिव हो सकती है कितनी पॉजिटिव हो सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे यही है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं होल्डर्स होते हैं उन्हीं की एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। अगर पैनिक सेलिंग शुरू होती है तो डेफिनेटली प्राइस डाउन आएगा, भले ये बाइनेंस पर ही लिस्ट क्यों ना हो जाए। तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। फिलहाल काफी ज्यादा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो OKX को लेके बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही है, सिमिलैरिटी इन सेंस की लवलीनू लिस्ट हो सकता है आने वाले टाइम पर OKX एक्सचेंज पर, क्योंकि OKX के पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो OKX ने एक बार पोलिंग में लवलीनू को शामिल किया था, लवलीनू ने भी एक टायर वन एक्सचेंज की बात की हुई है। तो बाइनेंस, कुकोइन, कोइनबेस, OKX सारे एक्सचेंज टायर वन के एक्सचेंज है, तो इस वजह से भी OKX एक चांसेस बन सकता है। और OKX एक ऐसा एक्सचेंज है कि वहां पर ज्यादातर जैसा कि अगर आप देखोगे मीम कॉइन्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली बाइनेंस, कोइनबेस, कुकोइन, क्रेकन इनसे पहले लिस्ट होते हैं, तो इस वजह से OKX एक जस्ट अजम्पशन है, जरूरी नहीं है कि हो, उससे एक्सचेंज भी हो सकता है। टायर वन के सारे काफी सारे एक्सचेंज हैं, तो उनमें से अगर कहीं पर भी लिस्ट होता है तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा बहुत पंप आए। बट अल्टीमेटली जो कहीं ना कहीं इन्होंने 25 तारीख वाली जो अनाउंसमेंट है उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर सपोज एक्चुअल में काफी लोगों को फायदा होगा, सपोज हुआ होगा अगर लवली एक्सचेंज पर सेल करने से या फिर लाटोकन में जिन्होंने होल्ड कर किया हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है वो मार्केट के ऊपर पड़ेगा और उसी से डिपेंड होगा, उसी से पता चलेगा कि ये काम हो क्या रहा है, एक्चुअल में टीम कर रही है या फिर होल्डर्स वाकई में प्रॉफिट यहां से ले रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर उसके बाद में पॉजिटिव कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेंगे तो प्राइस काफी अच्छा खासा बढ़ सकता है। इवन ये भी कहा जा सकता है कि आपको 5 से 10 गुना का प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि बैक टू बैक अगर सपोज पॉजिटिविटी रही और टायर वन एक्सचेंज की अनाउंसमेंट भी आएगी तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकता है। बट अगर नहीं भी बढ़ता है तो आपको ये सेल नहीं करना है। फिलहाल आप दो तीन दिन तक तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए, उसी के बीच में हम एक वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे लवलीनू पर, ताकि आगे आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, लाइक थोड़ा बहुत सेल भी या फिर किस टाइम पे दोबारा सेल या फिर कब तक हमें होल्ड करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक बार दोबारा से। बाकी तब तक यही है कि आपको बस थोड़ा पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। कम्युनिटी अभी भी काफी इसको सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो ट्वीट्स भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि आप देखोगे तो बेबी डोज कॉइन जिसका काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ करता था और होता है अभी भी, सेकंड थर्ड पे है ऐसी बात नहीं है, बट लवलीनू फर्स्ट पे आना कम से कम ये चीज काफी ज्यादा मतलब अमेजिंग है कि बेबी डोज कॉइन को भी पछाड़ दिया जैसे कि पिछले 24 आवर में सोशल एंगेजमेंट के मामले में, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस वजह अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोगों को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादातर यही चीज है कि यार लवलीनू की टीम क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट देगी और कैसे इसका प्राइस उस चीज से इन्फ्लुएंस होगा। तो ये दो तीन चीजें ज्यादा मैटर कर रही है और आई थिंक यही एक
रीजन भी है कि लोगों को थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और सेल भी करते हैं, तो ये चीजों से बचिए आप, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में मत कीजिए। अब आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।